كان مبشر لا مبشر مبشر صح سامي أول كاستوجا نبي سكر هذا درس نظامي كله عالم सबसे पहले तो मैं आपको कि इतना गर्म मौसम के बावजूद आप तशरीफ लाए हिमला साहब का मैं बता दूँ किताब साहब का मुनसिबा का खासतौर पर जो जो सफर करके हमारे पास आए इन्हें जो है वो काबिल तहसीन है इलम दोस्त लोग बहुत कम हैं इलम की महफिल में पहनने वाले बैठने वाले लोग बहुत कम हैं और इनका पार होता जा रहा है मैं तकलीफ में जाने में तो मुझे बड़ी बड़े मसाइल हैं तो मेरी असा से ये कोशिश थी कि हम अपना वो मैच वर्क करें पीछे जाएँ मैंने लास्ट भी आपको बताया था मेरे दोस्त भी आए हैं डॉक्टर शहजाद अकबर साहब ने टीम मैनेजमेंट के ऊपर बुखार साहब काम करता है एक साल उन्होंने तकरीबन 8 मिलियन रुपये लगा के 6 करोड़ रुपये 18 करोड़ डेलीगेशन आए थे उन्होंने वो ज़्यादा तीन लोगों का ये तीन दिन का जो है कॉन्फ्रेंस करवाई तो वक्त से मुखत करते हैं मैंने वहाँ ज़्यादा तीन दिन बैठता रहा तो वहाँ से जो मैं मैसेज लेके उठा वो मैसेज आप पाकिस्तान में है कि तीन मैनेजमेंट सिस्टम और मैसेज मैंने वो दिल जलानी में दर्ज कर आए थे मैंने कहा दिल जलानी तमाम जो जितने भी मौलियात हैं उनके माँ का दर्जा रखती है तो हमारे यहाँ हमारे दिपा के यहाँ माशा बड़े जीत हैं आज भी फैबुल्ला साहब ने अब्बास साहब ने और जकीर साहब ने लतीफ़ काजी साहब ने बहुत अच्छी अंदाज में और हमारा जो बच्चा जो है शायद ने बड़ा अच्छा जो है वो लेक्चर तैयार किया तो मैं बैठा यही महसूस कर रहा था कि जो है इस मकसद के लिए मैंने शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तेरी से करना शुरू हो गए मैंने जान बुझ के जो लोग मैंने इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने कहा वेट करो देखो कितने दोस्त आते हैं थोड़े आ जाए 10 आ जाए 15 आ जाए कोई मसला नहीं अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे लिए बरकरार मुश्किल नहीं है लेकिन मैंने वो काम नहीं किया मैंने कहा नहीं अब देखते हैं कि आप खुद इलम कितने लोगों को खींच कर आता है और यही एक ऐसी चीज़ है यही एक ऐसी चीज़ है मैं इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी जगह पर तो लेकिन मेरा दिन यही था कि स्टार्ट में हम अपने दायरे स्टार लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर स्कूल वगैरह इसी मॉडल को हम चलाएंगे बेसिकली मैंने उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप में से एक स्पीकर तैयार कर इसे तिब्बे जनानी के ऊपर जो दर्द का इलाज है ना उसके ऊपर हमने मकाला तैयार करना है और उसको हम इसको इंशाल्लाह ताला इस माह से ऑनलाइन भी कर देंगे तबीयत फॉर्म के नाम से हम बकायदा फेसबुक पर पेज बना देंगे उसे ऑनलाइन कर देंगे तो मैं अच्छा मुझे टीम भी मेरी बन गई है किसी तबीयत फॉर्म के हवाले से तो बकायदा हम इसको बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे आज की जितनी बुकिंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त और फ्रूटफुल थी और मैं खुश हो रहा था इसको देख के कि अगर बंदा सोशल मीडिया से कोई काम स्टार्ट करता तो करता था उसमें वर्कर जो है वो डाल देता है मैं दो बात से बात करूँगा आज मैं बैठा हुआ था तो मेरे कुछ लेक्चर मैंने वायरल किए थे अपना एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर मैंने कहा चलो जब के ऊपर बोल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ चीज़ों को देख लिया जाए उस हवाले से जो है दोस्तों के साथ शेयर किया जाए पहली बात यह है कि फ्रंटल लोब जो है हमारे ब्रेन के ऊपर ये जो हमारे सामने है फ्रंटल लोब जिसे हम फंसे जबी अलबा जुब्बा जो सामने वाली हड्डी है अलबा जुब्बा और फंसे जबी है तो ये फ्रंटल लोब है पहली बात है पेन का एहसास यहाँ पे हम जितना भी बॉडी में जो गैर का भी एहसास है जो तभी एहसास है उसका नाम लज्जत है ये भी बात नहीं करेंगे उल्टा मुश्किल आ जाए ना तभी एहसास का जो नाम है वो लज्जत है गैर तभी एहसास का नाम जो है वो दर्द है तो दर्द जो है वो फ्रंटल लोब के अंदर महसूस हो रहा है और इन जबी के मार्केट में बहुत से जो है उनकी तादाद है टैक्स है इनमें जो मैसेज आते हैं
विंड के अंदर आते हैं और यहाँ तक भी जो ममता है असम है जो ओरिजन है वो उनका फिर जवाब जो है उनको वापस जो है वो भेजता है, मजबूर भी करता है उनका जो मुनासिब जवाब होता है वो उसको भी वापस भेजता है। इनके दरमियान में एक फसे शनाफी है जिसे आप लोबोटोमी कहते हैं। अगर वहां भी मसला पैदा हो गया तो जो तकलीफ हमें आ रही होती है, अगर जब मरीज को पता तो ज्यादा होता है कि उसे वो पेन का मैसेज आ रहा होता है लेकिन उसमें ये सलाहियत खत्म हो जाती है कि ये दर्द किस किस्म का है, दर्द का मैसेज उसे आता है लेकिन उसमें ये जो फसे शगाफी है इसके अंदर कोई जिसमें के अमूमन सल्यूट पर आता है, अगर वहाँ को प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो फिर जो पीछे से मैसेज आ जाता है आगे से भी उसकी तमीज खत्म हो जाती है। वो मैसेज तो होता है जैसे कि 15 किस्में शेख ने बयान की है दर्द की, तो दर्द के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। ये बातें रखिएगा दर्द के जो एहसास का जो जरिया है वो सादा नफीस और नंगे असाब के सिरे होते हैं। असाब के जो नंगे सिरे होते हैं दर्द का एहसास हमें वहां से मुक्ति हो जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड मतलब दर्द के हवाले से इसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अगर पैराथायराइड हार्मोन जो है मुनासिब मिजाज में वो खारिज ना हो जाए, थायरॉक्सिन अगर मुनासिब मिकदार में जितनी के जिस्म को जरूरत होती है वो पैदा ना हो तो उजात में ईंठन बालों और टांगों के उजात में सर्दी उंगलियों और एड़ियों में जो है वो बढ़ाल करने जो है वो शुरू हो जाती है। दिमाग में थैलेमस एक पॉइंट है उसके बदूरी तरफ ये छोटा सा जो है पाइन कोन जो है शक्ल का ये बता ये हार्मोन एक ये जो है बता एक हार्मोन मेलाटोनिन पैदा करता है और मेलाटोनिन का तल्लक हमारे सोने और जागने से और इसको जो कंट्रोल करता है ये हमारी आँख का जो रूटीन है ये इसको कंट्रोल करता है। ये हार्मोन जो है ये सिर्फ रात को पैदा होता है, जो अल्लाह ताला ने बताया दिन के वक्त भी आप सोते हैं जितना मर्जी आप कमरे को देना कर रहे हैं तो ये हार्मोन पैदा नहीं होता। ये हार्मोन थैलेमस से सिर्फ इस गड्ढा से रात को पैदा होता है और जो हमारी रटीना है ये इसकी पैदाइश को जो है उसका अमल दखल है इसके कंट्रोल करते हैं इसकी पैदाइश। जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता है मेलाटोनिन का अमल तेज होता चला जाता है और इंसान का नींद का गलबा आने लगता है इसकी वजह से जिसकी वजह यह है इस हार्मोन की पैदाइश। अगर इस हार्मोन की पैदाइश में खराबी आ जाए अब जो खराबी आना है वो जाहिर है कि वो हमारे अपने लाइफ स्टाइल की वजह से होगा, हम रात तक देर तक जागे थे बराबर नींद नहीं लेते या जागते रहते हैं या कोई दिमागी काम करते रहते हैं देर तक, तो इसी वजह से भी अगर मेलाटोनिन जो है उसकी पैदाइश में खराबी हो जाए तो जो अलामत आएगी वो सारे दर्द आएगी। दूसरी अलामत आएगी पतली होगी, पतली से अगर काम पार देते तो उल्टी आनी शुरू हो जाती है और जो वर्ष हालत है इसकी वो दिमाग में चल रही है तो सोची पैदा हो जाएगी। चिताश पर यह बहुत बुरा असर पड़ता है। मास्टर ग्लैंड पैट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पर तकरीबन 11 हार्मोन जो है मास्टर ग्लैंड जो है ये खारिज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी अगर मसौली पैदा होने से
तो उसकी दामन ये होगी सर में दर्द होगा, देखने देखना मुश्किल हो गया, पेट को देखने में मुश्किल आती है, इसके साथ साथ मुझे उल्टियाँ भी आती हैं, डिप्रेशन होता है और मरीज जो है वो परेशानी भी आती है। इसे एक हार्मोन निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर इस हार्मोन की पैदाइश में किसी किस्म की कमी पेशी हो जाए तो औरत का जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर गड़बड़ हो जाए। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द होता है, मसल में दर्द होता है और जिस्म में शरीर की कमजोरी उतार हो जाए। ये जो हमारी नींद है, नींद अगर कम हो रही है हमारी तो ये जिस्म में दर्द पैदा करने का उपाय है। दर्द और नींद का आपस में जो तल्लुक है ये दो तरफा, दर्द नींद में खलल पैदा करता है और उसके नतीजे में जो हमें थोड़ी सी या खूब सीधी डिस्टर्ब किस्म की नींद आती है वो दर्द भी कम कर देता है। तो नींद और दर्द का आपस में दो तरफा तल्लुक है। जो हमारे जिसम के उदरात में आमतौर पर हमें दर्द महसूस होते हैं, जनरली हम जिसम में दर्द महसूस करते हैं, तो इसकी जो वजह एक तो उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है उदरात, दूसरा मुसलसल उदरात में तनाव आ रहा, तीसरा डिप्रेशन की कमी है और चौथा कोई मामूली किस्म की चोटें जो है इनकी वजह से हमारे जिस्म में अक्सर हमें दर्द महसूस होता है और ये इनके बुनियादी अस्बाब जो मैंने आपको बताया और अक्सर जो दर्द होता है इनमें कोई इन्फेक्शन की वजह इलाज इसका यह है कि आप पहली बात तो आराम हो, इस वजह से आप ज्यादा काम ले रहे हैं, अगर आप आंखों से ज्यादा काम ले रहे हैं, कमर से ज्यादा काम ले रहे हैं, किसी हाथ से ज्यादा काम ले रहे हैं, आएगा मुझे कोई प्रॉब्लम ये आ रही है इसका इस्तेमाल में कोई चैले को मैं लंचे चढ़ा लेते हैं तो ये मुझे ऊपर ही पकड़े बड़ा पकड़ के या बिस्तर में बैठ के करना पड़ता है, उसकी वजह से मेरे पहले ये मसल खराब हुआ है, ये मसल खराब हुआ है, तो इसलिए इसका भी हम ध्यान से इस्तेमाल करें। हमें पता ही ज्यादा आप घंटा घंटा दो सौ घंटे एक ही कॉन्जिशन में बैठे रहते हैं और उसकी वजह से जो हमें हमारे जो नाजक मसल है, अगर मसल की आप नाटी को देखें कि मैंने वो भी सारी नाच कर दी है चैनल के ऊपर तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने इतने बाद मसल इतने नाजक हैं कि आप जब उनके पर उनका ऊपर उनकी सांस से ज़्यादा वजन डालते हैं तो वहाँ भी वो जो है वो मेरे सोच का अदा देती है और सोचे जो है वो दर्द का पैर करती है क्योंकि अदापत की सोच महसूस होती है। तो पहली बात यह है इसको आराम दें, दूसरा इसका हाल यह है ये अगर तो जैसे गर्मी है तो बहुत ज़्यादा बर्फ फिट हो जब आप देखते थे जब सुबह खेल होते हैं चोट लग जाती है तो उसको फौरन ला के जो पहला काम करते हैं वो बर्फ फिट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है जब उसके मूड हरारत पहुँच जाए और हरारत पहुँच जाने का एक ये होता है कि एक जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वहाँ पर पहुँच जाती है और पहुँच जाने के बाद जो है वो इन्फेक्शन को जो है वो जल्दी से जो है वो लाभ करने की कोशिश करती है। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की, मैं एक बात भी मुझे है कि मैंने आपके खुशी मुझे इस बात की है कि आप तो अपने जो है वो बहुत अच्छे है तैयारी करते आए थे। मैंने लास्ट टाइम सर दर्द के हवाले से
पिछला लेक्चर में बोल रहा था तो उसमें में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका बुलाव था, अभी भी मैंने टीम से बहुत ज़्यादा उसको छोड़ दिया है। लेकिन लास्ट टाइम तो मैंने जो मीरा जहाज थे, मलिमान थी, अतरी तलाब थे, कबूब थी, इन चीज़ों के ऊपर मैंने अलहदा अलहदा थे जो भी दर्द था हर दर्द थी जो अलहदा लगाई थी मैंने वो आपकी कोशिश लगा दी। आज मैंने जो है जो फरदाद है जो कि ऊपर साबित भी इस्तेमाल की है उनका जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो अकेली की दवाई का जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले है कश्मीर कुछ 10.5 पाशे आप ले लें और 10.5 पाशे इसके अंदर जो है शक्कर फला के फला लें। गर्मी की वजह से जो सर्दर्द हो रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है सिंपल वेरी सिंपल 10.5 पाशे आप कश्मीर दे दें, 10.5 पाशे आप इसमें मछली बना लें या शक्कर बना लें और मरीज को दे दें। गर्मी के साथ के लिए बेहतर मुश्किल है। अगर इसका जमात भी अंदर लगा देंगे ना सर पे तब भी फायदा है। इस सब को हाथ खाया जाए या बतौरे तो मात आप इसको लगाएं। गर्मी की वजह से जो सारा दस्त है ये मेरा ओरिजिन जो मैं आपको बता दी है ब्याज के बड़ी ब्याज ये बड़ी ब्याज में मैं अक्सर दोस्तों ने कहता हूँ आप तो सुखी भी ये कहता हूँ और ये शेयर मुझे कहता है आपकी वजह से ये दिन सुखी भी है। दिव्या यूनानी की अलग जो है ये मैं आपसे यहाँ बताता चला जाऊँ। मैं 35 साल के यही क्लास है उसको क्लास से पढ़ते हुए तो मुझे मुबारक हुआ कि अलग क्या है दिव्या यूनानी की रुचि क्या है। दिव्य यूनानी की अलग है तासुल मुफरदात। दिव्य यूनानी की यह है बड़ी ब्याज। अगर आपके पास बड़ी ब्याज है तो मैं दावे से आपको एक बात कहता हूँ आप किसी से नुस्खा नहीं मांगेंगे। फिर आपको नुस्खा मांगने की जरूरत नहीं है फिर बड़ी ब्याज आपके पास है तो बड़ी ब्याज जरूर अपने पास रखें यकीनन आप उससे बड़े मुस्तफीद होते। एक और किताब जिसे हम सोचा करते थे कभी अल्फाबी तो वो भी शेयर कहते हैं वो छप गई या मार्केट में आप तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। जब हमने शुरू में ली थी तो तकरीबन 5,000 रुपये में ली थी तो अब मेरा ख्याल है वो 10-12,000 की हो गई है क्योंकि कागज इतना महंगा हो गया है। लेकिन उसने छिपाई हुई है किताब ये जहन में रखिएगा वो किताब अगर आप नज़र से गुजरे तो वो इतनी बड़ी किताब है 12 की फॉर्म में इतनी मोटी किताब है अल्हाबी जिक्रिया डाली किताब को पढ़ने के बाद आप यकीन ये सोचने में मजबूर हो जाए कि मैं ये माना मेरा मानना ये है कि दिव्य में अगर फिलासफर फिलासफी है तो वो शेर है लेकिन जो सच्ची मुझी था की राधी राधी ने दिव्य की सारी टेक्निक यूज की कोई शेर नहीं छोड़ी जमात भी किया टिकोर भी किया मेहनत भी किया खमीरे भी बनाए गोलियां भी बनाई शरबत भी बनाए वो उसने आंखों के ऑपरेशन भी की है वो मैं जिसे जमा देखता हूँ मुझे उसने सारी टेक्निक्स उसने अजामा की भी है उसने मदद भी की उसने झोंके भी लगाए तो सच्ची मुच्ची का जो तबीब है आप उसकी उस किताब जरूर देखिएगा अगर आपको हो सके तो आपको जो मज़ा आएगा आप अपने मादी से जुड़ जाएंगे वो आपका वो पता है गुमशुदा है से ज़्यादा नई नस्ल हमारी जो है छुपी पड़ी है। लेकिन कुछ किस्म की हमारी यही है कि अल्हाबी किताब छपी हुई है मार्केट में अवेलेबल है दोबारा शायद ना छपे तीन जल्दों में चौथी नहीं छपी चौथी जल्द मैंने अभी इधर रिक्वेस्ट करनी है हमने छुपा लेनी है वो चार जल्दें चार पाँच जल्दें रह गई हैं वो एक किताब में छपनी है ये टोटल 22 जल्दें हैं 22 में 18 उसने प्रिंटिंग करवाई है बाकी चार नहीं तो कोशिश करेंगे कि वो भी उसे प्रिंट करवा दें तो वो हो जाए तो ज़्यादा हमारा एक जो है वो पता है खुश जाए तो मिल जाए तो ज़्यादा देखा जाए। मकोसब बढ़ दो मकोसब का निचोड़ा हुआ पानी खा पिया जाए क्या लगाया जाए गर्मी की वजह से जो शादत है उसके लिए नीलो पानी अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से या जमात लगाने से और सूखने से भी गर्मी के फर्ज को फायदा देता है। कपूर जमात करने
चला करने सूखने से या उसके कतरे नार पर डालने से गर्मी के साथ उसको कर देते हैं। पिशकाश सिरके के साथ इस्तेमाल करने से गर्मी के साथ सुरफा सुरफा के पत्तों का पानी जोड़कर लगाना गर्मी के साथ उसको फायदा देता है। सिपस्तान जसूरे अजकल है रहे अजकल आ रही है बसों इसका लवाब पानी में निकाल कर नमाज करने से गर्मी के साथ को तस्वीर होती है। देखे लफा इसे जबरूज भी कहते हैं। दोनों देखे लफा और जबरूज दोनों लहदा रहता है। दोनों को पीस कर सिरका में चलाकर जो है लगाना गर्मी के साथ के लिए ठीक है। लड्डू गर्म सरदर्द को जाहिर करता है। उसने कातरी एक तोला और बीज को करके गुलाब में पीस कर पानी पर रखा है। मजीद जब तलक तिबरी ने कहा है कि अगर इसको दर्द सर के मरीज के साथ में बांध रहे तो बिल खासा दर्द सर को जाहिर करता है। मरवारी या मोती इसके मतलब तिबरी का कौल है कि अगर इसको पानी में पीस कर नाक में आप चढ़ाए तो दर्द सर के लिए फायदेमंद है। इसका एक मरतबा का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल जो है कबाबा को पीस कर गुलाब में बनाकर इस्तेमाल करें जो सर्दी की वजह से सर दर्द होगा उसके लिए। सुकमोनिया और दानादार मसूर के बराबर लेने सुकमोनिया मसूर के बराबर लेने और रोगने गुण में पीस कर लगाए दर्द सर को दूर करता है। रीही दर्द सर और दर्द शिकीका के लिए मोमियाई को लोगों ने बनफशा में पिघलाकर सोच करें नाक से इसके कतरे डालने हैं तो मोमियाई तो मेरा ख्याल है वो मिलेगी ना मिलने वाली चीज़ है मोमियाई। लेकिन नसीबा के बीच में लिखा है दर्द सर भारत और दर्द शिकीका के लिए मिर्च से आपको पीस कर रोगने बदाम में मिलाकर नाक में उसके तीन या पांच कतरे डाल मुफीद है। पुराने सरदर्द और दर्द शिकीका के लिए नहायत मजरब है रीठा जिसे बिंदर की हिंदी भी आप कहते हैं वो पानी में पीस कर दो तीन कतरे नाक में डुबाए जो है बेहद मुफीद है। मेहंदी को बतौर दमाद इस्तेमाल करने से सर्दी का जो सरदर्द है और दर्द जो शिकीका है ये जाता है। समझिए का पानी नाक में टपकाना गर्म शिकीका को फायदा इस्तेमाल कर रहा है। एलवानी समुद्र का पानी नाक में टपकाने से सरदर्द को फायदा है। एक छोटी सी मैंने कोशिश की थी मुझे बहुत खुशी होती है ना मुझे भाई जाने थे बाबा जाने थे और कितने जो है वो सबसे पाने वाली बात है। तो ऐसा था मेरे पास अपना श्री मेडिकल सिटी थे उधर हॉस्पिटल से एक केस रेफर हुआ छः माह भी हमला औरत थी और उसकी डिस्क जो है वो हिल गई तो वो शदीद दर्द की थी हालत ही हॉस्पिटल में वो थी तो वो मेरे एक शागिर्द हैं बहुत हो गए हैं वो उनको लेकर मेरे पास आ गए। तो मैं उसको जा रहा था तो उन्होंने कहा उस्ताद जी आपने इनका देखना है तो मैंने कहा लेडीज है और घर लेडी है तो मैंने यार अब तो मानते हैं मुश्किल है इसको करने को मैं जब उधर तो मुझे पता चल गया कि इसका फायर कपिंग होनी है और फायर कपिंग होने के लिए कोई जाना वो जुमरा था वो L4 या 5 था तो मुझे ये प्रॉब्लम यह थी कि उसकी आधी हिप भी नहीं करनी थी तो मैं यार अपना मोटी अपना अपना मुश्किल है तो ये मेरे वो मुझे पीछे पड़ गया कहता नहीं जी आपने करना है मुझे पता होता मैंने कहा अच्छा ठीक है मैंने
उसके खामत हुआ आपने पास एक अटेंडेंट थी, एक खामत था उसका, मैंने उसको खड़ा किया और मैंने इसे चार ग्लास लगाए, चार फाइव ग्लास हमने उसको लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने को 20-25 मिनट के बाद जब वो ग्लास उतारे, मैंने उसे वहीं बैठे बैठे सजदा करवाया और वो जो मरीदा वो बड़ी जो टेढ़ी होते नीचे होते थी क्योंकि उसके पेट में 6 माह का बच्चा था। मैं कोई भी दवाई देता तो दवाई आपको पता है कोई भी आपके गर्म खुश की देते हैं, तो मुझे डर था ये टेढ़ी में शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसको नीचे उतारा तो वो बिल्कुल सही तो मैंने चलाया बनाया सही हो गया। ये बड़ा खूबसूरत हमारा अचानक क्या बात थी और जो डर थी ऑन द स्पॉट पंडा एक हमारे पास ये इधर करीब हमारे से एक सफाई करने वाला तो उसकी राम की बैक साइड पर उसके मौसम पर सेंटर में एक पेन थी और वो जल्दी नहीं थी उसे करा करा के लग गया तो उनको हमारा पहला पैक कर रहा था तो मैंने वो ख्याल वापिस मैंने उन्होंने कहा अच्छे चार दर्द के हमने चारों तरफ चार कपड़ लगाए और हमने बेड कर ली तो कहता हमने ब्लड निकाला तो उन कप्पू में से हमें ब्लड के साथ हवा भी खा रही थी और जब हमने कप उतारे तो जल्द गायब था मरीज ने बगैर छे भी मारी तो जल्द कोई नहीं था। हमारी खूबसूरत यादों में से कोई चीजें हैं तो बेहद इन शाला नेक्स्ट में आपको जहाँ मेन दर्द की मैनेजमेंट है उसको भी हम आपसे कुछ शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप एक शायद